आपका वोट आपकी ताकत। वोट जरूर डालें। इलेक्शन से जुड़ी हर खबर तक ऐप पर डाउनलोड कीजिए तक ऐप। सोमवार को टोंक के एक युवक ने आत्महत्या कर दी और इस प्रकरण का रीट से जुड़ा है और इसी को लेकर जिस तरीके से सुसाइड नोट लोकेश कुमार मीणा ने लिखा है उसमें यह बताया है कि कैलाश विश्नोई को उसने रीट परीक्षा पास करवाने के लिए पेपर के लिए 24 लाख रुपए दिए थे। कैलाश विश्नोई बाड़मेर ज़िले का रहने वाला है और यह उसने अपने सुसाइड नोट में लिखा है, जिसके बाद में लोकेश कुमार मीणा के पिता ने थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है और टोंक पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर इस मामले की जांच शुरू कर दी है। ऐसा बताया जाता है कि लोकेश मीणा ने अपने और अपने एक सहयोगी के लिए पेपर जुटाने के लिए यह पैसा कर्ज लिया था, जिसके बाद से ही लगातार कर्ज लेने वाले लोग उसे परेशान कर रहे थे। लेकिन जिस तरीके से 2 दिन पहले रीट का लेवल पेपर 2 रद्द कर दिया गया, उसके बाद में वो सदमे में चला गया और सोमवार की सुबह आत्महत्या कर दी और उसने अपने सुसाइड नोट में लिखा कि कैलाश विश्नोई और जयपुर का एक रहने वाला शख्स था जिसे दोनों को मिलकर 40 लाख रुपए दिए थे और उसी से आहत होकर वह आत्महत्या कर रहा है। इसी मामले में टोंक पुलिस ने बाड़मेर पुलिस से संपर्क किया है और कैलाश विश्नोई के बारे में जानकारी के लिए कहा है। अभी तक की जो जानकारी है उसमें यह बताया गया है कि कैलाश विश्नोई रड़वा का रहने वाला है, जबकि पुलिस की अभी तक की इन्वेस्टिगेशन, जब हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं तब तक इस नाम का कोई शख्स उस गाँव पर नहीं है और ऐसा बताया जाता है पुलिस अब रड़वा या इससे जुड़े हुए गांव के नामों के आसपास सर्च कर रही है, उसके मोबाइल नंबर को सर्च कर रही है या जालौर और बाड़मेर ज़िले के अंदर कोई इस नाम का सरकारी कर्मचारी टीचर है या नहीं है, इन सब चीज़ों को लेकर सर्च ऑपरेशन कर रही है, क्योंकि जो मोबाइल नंबर दिया गया है, जो एड्रेस दिया गया है, वो पूरा का पूरा अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में उसके नाम का कोई शख्स वहाँ पर नहीं है। तो ऐसा भी पुलिस को एक लग रहा है, इस एंगल से भी जाँच कर रही है, क्या उसने फेक आईडी दी थी, क्या फेक मोबाइल नंबर दिए थे और पैसे कहाँ पर ट्रांसफर किए गए, इन तमाम चीज़ों को लेकर बाड़मेर पुलिस ने अपनी एक इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है। जिस तरीके से अभी तक की जानकारी साफ है कि कैलाश विश्नोई रड़वा का रहने वाला है, इस नाम का कोई शख्स उस गांव के अंदर नहीं है, चौटन पुलिस से लेकर सेडवा पुलिस और बाड़मेर की सदर पुलिस तीनों अपने अपने इलाकों में इस नाम के और धोरिमना पुलिस इस नाम के युवक को सर्च कर रही है कि आखिर कैलाश विश्नोई कौन है जिसे लोकेश मीणा ने रीट पेपर के लिए 24 लाख रुपए दिए थे। दिनेश बोरा, बाड़मेर, राजस्थान तक।